अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रो करने वाले हैं जी आयरिस बल्ब, जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स है। ये इसके बल्ब्स हैं जी, जिनकी रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन परचेज़ किए हैं ये, बहुत ही ज़बरदस्त हैं ये। और ये एक बल्ब है जो थोड़ा अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, और इसके ये यहाँ से यहाँ पर जो है वो एक फंगस टाइप भी लग गई है। तो ग्रोथ तो इसकी इसकी जो है वो स्टार्ट है, अब पता नहीं ये होता है या नहीं। खैर, ये हैं 6 बल्ब्स हैं जी मेरे पास। मे बी के ये जो हैं वो 5 वाले जो जो हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, ये अच्छे से ग्रो करेंगे, और इसका नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा। खैर, बात कर लें जी, लेते हैं जी। ये जो पॉट है ये 12 इंच इसकी हाइट है, बट इसकी जो है वो चौड़ाई जो है वो कम है। इसके अंदर जो है वो 3 मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी, इसके अंदर लगाऊँगी 3 बल्ब, और 3 बल्ब एक इसी तरह का एक और पॉट है उसके अंदर लगाऊँगी। तो इसकी सॉइल पे बात करते हैं जी। सॉइल जो है जी, सॉइल मीडियम के लिए जो मैंने यूज़ किया है वो 50% इसके अंदर 50% इसके अंदर गार्डन सॉइल है, और 30% इसके अंदर कॉडंग है जी, फुली डीकम कोस्ट, और साथ में इसके जो है 30% इसके अंदर सैंड है, और साथ में इसके है जी 20% वो था इसके अंदर, क्या था यार, अब कैसी बात है, ध्यान निकल जाता है। तो इसके अंदर 20% कंपोस्ट थी, याद आ गया। तो इसके अंदर, और ये सॉइल मीडियम जो है वो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ में इसके अंदर मैंने 1 स्पून जो है वो मैंने एक्सेल पाउडर, एक्सेल पाउडर नहीं, थोड़े क्रश टाइप एग्स थे जो एक्सेल्स थे जो इसके अंदर यूज़ किए हैं। अभी जो है वो इस पॉट को जो है वो मैंने 3 इंच जो है वो इसको अभी खाली रखा हुआ है। बल्ब सेट करने के बाद जो है वो ऊपर से मैं इसके सॉइल ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ कि जो मैं इसके साथ यूज़ कर रही हूँ इसकी बेहतर बेस्ट रिज़ल्ट के लिए, वो ये है कि ये देखें, ये 1 पॉट के लिए जो है वो मैं ये 5 ये 5 दाने जो हैं वो मैं DAP के यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर, जो जिनको मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी और फिर जो है वो मैं इसके अंदर बल्ब लगाऊँगी। तो ये हमारे मिक्स हो गई है, और ये हैं जी बल्ब्स, 3 लगाऊंगी मैं इसके अंदर। ये वैसे ही 3 इंच इसको मैंने पहले नीचे इसको रखा हुआ है, और अभी ये जो है इसके ऊपर जो है वो मैं इसको कर देती हूँ जी सेट। ये 3 बल्ब मैं लगा देती हूँ, जिनसे मंगवाए हो कह तो रहे थे कि अलग अलग कलर्स हैं, अब देखें कौन कौन से कलर निकलते हैं, इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे जो भी निकलेगा। और बल्ब तो बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी से स्टार्ट होगी, बल्कि रूटिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। ऊपर से टिप्स भी ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं जो है वो ऊपर से सॉइल जो है वो इसके अंदर डालती हूँ। ये इसको मैंने जो है वो फुल कवर कर दिया है, जैसे कि बल्ब की जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन में जो है वो मुझे विजिबल होने लगेंगे इसमें। अब जो है वो टाइम है जी वाटरिंग का, वाटरिंग करती हूँ मैं इसमें, और नेक्स्ट वाटरिंग जो होगी वो टॉप सॉइल ड्राई होने के बाद ही करूँगी मैं इसमें। और ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह जो है वो इसकी अपडेट्स मैं दूंगी आपको, और इसकी केयर पे बात करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।